नहीं यहाँ पे होता ही कंप्यूटर का है, सॉरी लैब से, यहाँ पे होता ही सिर्फ कंप्यूटर का है। आपका एनिलेस कौन है? एनिलेस नंबर थ्री फोर टू एट नाइन थ्री एट नाइन जीरो टू सेवन सिक्स। जो आप स्टोर क्रिएट करते हैं उसको स्टोर कहते हैं, उसको ही वेबसाइट भी कहते हैं जी। ओके ये मैंने भी खुद को ऐड कर लिया इसमें। आज जो हमारा पहला काम है वो है थीम्स को देखना, क्योंकि
यहाँ पे आप देखें ना, एक से ज्यादा स्टोर्स होंगे तो यहाँ पे शो होने शुरू हो जाएंगे। आप एक ही अकाउंट से एक से ज्यादा स्टोर्स को भी हैंडल कर सकते हैं, एक ही अकाउंट से आप जितने चाहे स्टोर्स क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो चाहे आपके पास एडमिन एक्सेस हो या फिर आपके पास वो जो कंप्लीट एक्सेस हो, एडमिन एक्सेस हो। अब दूसरी चीज हमारे पास होती है, हमने थीम सेलेक्ट करना। जब आप शॉपिफाई पे स्टोर क्रिएट करने लगते हैं तो हमारा पहला स्टेप होता है स्टोर को क्रिएट करना, दूसरा हमने उसकी सेटिंग करनी है, और तीसरा हमने क्रिएट करनी है जो हमारी वेबसाइट। अब यहाँ पे हमारे बाय डिफॉल्ट जो लगा हुआ है वो डॉम थीम लगा हुआ है। हमारे पास फ्री थीम्स ये अवेलेबल हैं जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है, इनमें ऑप्शंस कम होते हैं, इनमें आप खुद से ऑप्शंस ऐड नहीं कर सकते, जो ऑप्शंस आपको मिलेंगे सिर्फ वो ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कि ये इन्होंने चार कॉलम्स वाला सेक्शन एक ऐड किया ना, ये थीम ने दिया है तो ऐड हुआ, अगर थीम ये ऐड ना देता तो ऐड नहीं था। जो स्टाइल्स जो थीम्स प्रोवाइड करते हैं थीम हमें, जो सेक्शन, सिर्फ हम वही ऐड कर सकते हैं इसमें। इसको रिफ्रेश को यूज करके देखते हैं, एक न्यू थीम आया। इसमें थीम इंस्टॉल करने के दो ऑप्शन है, एक तो आप डायरेक्टली जाके थीम स्टोर से इंस्टॉल कर लें, दूसरा आप यहां से अपलोड भी कर सकते हैं, अपलोड जिप फाइल थीम की। अगर आप थीम को डाउनलोड करना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट को तो यहाँ पे डाउनलोड थीम फाइल्स है, आप किसी भी दूसरी वेबसाइट, ये आपकी जो थीम होती है यही आपकी वेबसाइट होती है। जब आप किसी और वेबसाइट में ऐड करते हैं सारी चीज़ें सेक्शन वगैरह वैसे ही हो जाते हैं, उसमें से गायब होता है इमेजेस और प्रोडक्ट, क्योंकि वो कॉपी नहीं होती, थीम फाइल कॉपी होती है। अब ये हमने इंस्टॉल कर लिया है, अब इसको पब्लिश कर देंगे हम। अब इसको व्यू करते हैं, ये हमारे टेम्पलेट है जो कि हमने इंस्टॉल की है अभी, और जिन ये प्रोडक्ट जो हमने ऐड की हुई थी ये भी यहाँ पे शो हुई, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट इसका डेमो है। नहीं नहीं प्रोडक्ट शो कैसे होगी, जैसे कि यहाँ पे अगर ये साइड पर बॉर्डर शो हो रहा है, क्यों शो हो रहा है, क्योंकि थीम ने इसमें ऐड, अगर दूसरा कोई थीम है उसने ऐड नहीं किया होता तो ये बॉर्डर प्रोडक्ट वैसे ही रहनी है, शो कैसे होनी है वो चेंज करेगा। थीम डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट कैसे अपीयर होगी यूजर के लिए, आपकी जो फ्रंट एंड है आपकी वेबसाइट वो थीम ने डिसाइड करनी है, लेकिन इसकी फंक्शनैलिटी वो ऐप और शॉपिफाई करनी है कि फंक्शनैलिटी क्या होगी। इसमें हमारे पास यहाँ पे चूज ऑप्शन का बटन आ रहा है, हम यहाँ से ही ये एक क्विक में व्यू ऑप्शन होता है कि हमें दूसरे पेज पे नहीं गए, इसी पेज पे हमारी प्रोडक्ट ओपन हो गई है, हमने यहाँ से सिलेक्ट करके इसको बाय नाउ भी ऐड टू कार्ट भी कर सकते हैं, इसको क्विक व्यू कहते हैं। अगर आपने वैसे ओपन करना था यहाँ पे इसके नाम पे या इमेज पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रोडक्ट पेज पे ले जाएगा। अब ये देखें, पहले जो हमारा प्रोडक्ट पेज था वो अलहदा था, अब ये न्यू बना है हमारे पास। यहाँ पे अगर मैं ऊपर आ रहा हूँ तो जैसे नीचे आना है ये इमेज स्लाइड हो रही है साथ में, क्यों हो रही है, क्योंकि थीम ने इसमें ऑप्शन ऐड किया। हम थीम के ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। शॉपिफाई में सिर्फ यही एक चीज़ है कि इसमें रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, और हमने भी वही यूज करनी होती है, हम हमारे लिए तो मैं एक ही थीम लेके चल रहा हूँ। आप ना यहाँ पे देखें तो वेबसाइट्स हैं जो कि ना बनी हुई है सेम थीम पे, एक है ये hashcat.com.pk और एक है jahan.com.pk, ये दोनों वेबसाइट एक ही Shopify थीम पे बनी हुई है और ये थीम काफी ज्यादा चलता है, इसमें ऑप्शंस भी काफी सारे हैं।
अगर आपने सेम टू सेम इस तरह की वेबसाइट क्रिएट करनी हो तो वो क्रिएट हो सकती है। इन्होंने क्या किया है, प्रोडक्ट्स को ऐड किया है, थीम में ऑप्शंस थे इधर कैटलॉग लगाने के वो उन्होंने लगा दिए, यहाँ पे नीचे इमेजेस लगाने के वो उन्होंने लगा दिए, ऊपर चार इमेजेस लगाने का ऑप्शन था वो भी लगा दिया, थीम में ऑप्शन थे उन्होंने वहाँ पे पिक्चर्स और अपलोड किया, उनके साइज को बड़ा कर दिया और हमारे वेबसाइट पे। अब ये हमारा इनिशियल शो हो रहा है, हमारा मेन्यू भी बन गया, हमारा इधर से सर्च बार भी बन गया प्रोडक्ट के लिए, इधर ऐड टू कार्ट हमारी कार्ट भी शो होना शुरू हो गई, एक स्लाइड शो भी क्रिएट हो गया। दूसरी चीज हमारे पास यहाँ पे थीम सिलेक्शन ऑप्शन है, जितने भी सेशन होंगे वो यहाँ पे शो होंगे, कितने लोगों ने मोबाइल से टैबलेट से या डेस्कटॉप से एक्सेस किया है इस वेबसाइट को वो यहाँ पे शो होगा, और उसके स्पीड स्कोर क्या है वो यहाँ पे शो। उसके बाद आपके मोबाइल और डेस्कटॉप का ओवरव्यू यहाँ पे शो होगा। उसके बाद हमने नेविगेशन में जाना होता है, नेविगेशन में हम क्रिएट करते हैं मेन्यू। अब यहाँ पे जो मेन्यू देख रहे हैं ये नेविगेशन में, यहाँ पे मेन मेन्यू, मेन मेन्यू में देखिए हमारे पास वही ऑप्शन है जो कि यहाँ पे शो हो रहे हैं, होम कैटलॉग कॉन्टेक्ट। अगर नया ऐड करना है तो सिर्फ ऐड मेन्यू पे क्लिक करना है, यहाँ पे हम लिख देते हैं अबाउट, यहाँ पे हमने लिंक लगाना है, हम वेबसाइट के पेज को अटैच कर लें, प्रोडक्ट के पेज को अटैच कर लें वो भी कर सकते हैं, अगर हम लिंक खुद से लगाना चाह रहे हैं जैसे https google.com मैं लिंक लगा सकता हूँ, इस पर एक कस्टम लिंक लगाना है, हम लिंक लगा सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट में जाऊँगा, ऑल प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर दूंगा, ये क्या करेगा जितने प्रोडक्ट शो होते हैं शो पेज में सभी प्रोडक्ट शो हो रहे थे वो पेज शो करवा देगा ऑल प्रोडक्ट। लेकिन अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा ना तो ये पेज ओपन हो जाएगा हमारे पास, ये है हमारा शो पेज जिसमें कि जितनी भी प्रोडक्ट आप ऐड करेंगे सारी सारी यहाँ पे, चाहे वो आपने किसी कैटेगरी में ऐड किए हैं या नहीं, और ये हमारा प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट पेज, मैंने अब सिंगल प्रोडक्ट पेज सेलेक्ट करके ऐड कर दिया है, वो ऐड हो गया और सेव मेन्यू कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास अबाउट भी ऐड हो गया, ये नेविगेशन कहते हैं इसको, नेविगेशन इसमें मैं क्लिक करूँगा तो मुझे वही स्पेस पर ले गए क्योंकि मैंने अबाउट पेज क्रिएट करते हैं, ये पेजेस का ऑप्शन है। अब अगर मैंने इसमें गूगल का लगाना है तो मैं इसको कट करके यहाँ पे वो गूगल का लिंक लगा दूंगा तो ये अब बोल पेज शुरू शो होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे डिपेंड करता है सिर्फ लिंक लगाना है आपने किसी भी पेज का लगाना है प्रोडक्ट का लगाना है आप पे डिपेंड करना है। अब मैं अगर अबाउट पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे गूगल पे ले जाएगा क्योंकि मैंने इसके बैक एंड पे गूगल का लिंक लगाया हुआ है, नीचे शो हो रहा है, ये हमारा नेविगेशन क्रिएशन का मेन्यू। इसमें जो फुटर का मेन्यू है वो अलग से बना हुआ है, यहाँ पे सर्च का हमारे पास सिर्फ सर्च का बना है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमें सर्च वाले पेज पे ले जाएगा, दोनों मेन्यूज क्रिएट किए हैं। उसके बाद ये अवेलेबिलिटी और फीचर प्राइसेस, ये फिल्टर भी शॉपिफाई खुद ही आपने देखा है ना कि ये प्रोडक्ट है, मैं अगर जाऊंगा ना शॉप पे, ये शॉप पे क्लिक करेंगे ना तो जितने भी शूज़ हैं वो सारी हो जाए जितनी भी प्रोडक्ट,
अब इसमें जो फिल्टर्स लगे हैं वो 2M/price। अब हमें जितने भी एट्रीब्यूट ऐड करते जाएंगे वो इनमें शो होते हैं, यानी कि इनमें फर्क क्या आ सकता है। फिल्टर्स बताते हैं कि हमने अगर मॉडल को चूज करना है ना तो इसके डिफरेंस के बुनियाद पे करना है। अब इनमें डिफरेंस क्या हो सकता है, प्राइस का डिफरेंस हो सकता है, डिफरेंट प्राइस डिफरेंस, या इनके साइज का डिफरेंस हो सकता है, या इनके कलर का डिफरेंस हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कुछ स्टॉक में है कुछ नहीं है। तो ये जितने भी डिफरेंसेज हैं वो सारे फिल्टर में आएंगे। उसके बाद ये सिंपल प्रेफरेंसेस हैं हमारे पास, ये भी ना सेटिंग में ही आती हैं एक तरह से। यहाँ पे हम अपना मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं अपने होम पेज के बारे में, होम पेज का टाइटल क्या होगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे होम पेज पे आते हैं, AA मॉल लिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख दूंगा ना, ये यहाँ से चेंज हो जाएगा गूगल के लिए होम पेज टाइटल, और ये मेटा डिस्क्रिप्शन ये गूगल के लिए हम लिखेंगे। यहाँ पे सोशल शेयर इमेज, जब आप तो यहाँ पे उसका कोड ऐड करेंगे, फेसबुक जब अटैच करेंगे तो यहाँ से हम ऐड करेंगे उसको। कस्टमर प्राइवेसी इसकी जरूरत नहीं है, कैलिफोर्निया क्योंकि हम कैलिफोर्निया में नहीं है तो हम जरूरत नहीं है, पासवर्ड नहीं लगाना, स्पैम प्रोटेक्शन ऑन है हमारी ऑलरेडी, ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद हमने जाना है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं, कलेक्शन ऐड कैसे करते हैं ये हमने देख लिया था, डोमेन को कैसे अटैच करते हैं ये भी हमने देख लिया। अब हम अपनी वेबसाइट को क्रिएट करते हैं, जब हम वेबसाइट को क्रिएट करते हैं हमारी फंक्शनैलिटी के लिहाज से यहाँ पे अगर हम अपनी उसके बाद ये हमारे पास ना एप्स होती हैं कुछ, यहाँ पे हम जाते हैं शॉपिफाई ऐप स्टोर, जैसे ही जैसे कि हमारे वो प्ले स्टोर है सेम उसी तरह हम यहाँ से जो भी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं इंस्टॉल कर सकते हैं। ये हमारी फंक्शनैलिटी बताई, ये सेम उसी तरह प्लगइन है, हमें जो फंक्शनैलिटी चाहिए हम प्लगइन इंस्टॉल करते हैं इसमें उसका नाम है हम ऐप इंस्टॉल करेंगे। अब ये टिकटॉक क्या करता है, ये कनेक्ट करता है हमारे टिकटॉक बिजनेस के साथ। जब हमने टिकटॉक एड्स चलाना हो अपनी वेबसाइट पे तो उसका ना पिक्सल क्रिएट होता है जो कि कनेक्ट हो जाता है, तो हम टिकटॉक इंस्टॉल कर सकते हैं। क्लेवियो क्या करता है, जब आपने ईमेल मार्केटिंग और एसएमएस मार्केटिंग को अटैच करना होता है अपनी वेबसाइट के साथ फिर क्लेवियो को यूज करते हैं हम। उसके बाद इंस्टा फीड क्या करता है कि इंस्टाग्राम की आपकी फीड को आपकी वेबसाइट में ऐड कर सकता है। मैं एक दिखाता हूँ, यहाँ पे देखें ये एक वेबसाइट है, इसका इंस्टाग्राम की फीड जो है ना वो कनेक्टेड है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें इंस्टाग्राम की पोस्ट पे ले जाएगा। जैसे ही इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट वो अपलोड होगी यहाँ पे वो खुद ब खुद शो होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जब फेसबुक को कनेक्ट करना होता है हम इसको कनेक्ट करते हैं फेसबुक एंड इंस्टाग्राम को, बिल्कुल वो तब है जब हम फेसबुक जब हमारे पास पेज एड मैनेजर इवेंट मैनेजर कॉमर्स फेसबुक ये सारी चीज़ें बनी होंगी फिर हम कनेक्ट करते हैं। यस आगे करेंगे डिजिटल मार्केटिंग में आगे हैं। उसके बाद अगर आपने इसको एडिट करना है ये कस्टमाइज का बटन है, इस पर क्लिक करते हैं ये हमें
वेबसाइट के एडिटर में ले जाता है। यहाँ पे इसको एडिट करने के लिए जितने ऑप्शंस हैं वो हमारे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं हेडर को एडिट करना चाहता हूँ, मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये मुझे हेडर की सेटिंग में ले आएगा। इसमें हमने लोगो लगाना है, ये लोगो सिलेक्शन का बटन है, हम इसमें से इमेज सेलेक्ट करेंगे तो हमारा लोगो इसमें ऐड हो जाएगा। मेन्यू सेलेक्ट किया है, यहाँ से अगर मेन्यू चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं मेन्यू। और इसमें ऊपर जो हमारी अनाउंसमेंट बार शो हो रही है उसको अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है वेलकम टू आवर स्टोर, तो यहाँ पे अगर हम कोई लिंक लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। ये अनाउंसमेंट बार होती है टॉप पे जो हमें शो हो रही है। अब इसमें स्लाइड शो पहले लगा हुआ है, स्लाइड शो के अंदर हमने ये सेलेक्ट करना है कि फुल पेज है कि नहीं है, ऐड टू फर्स्ट इमेज, यानी कि जो इमेज हम ऐड करेंगे उसके हिसाब से इसकी हाइट मैनेज हो जाएगी। उसके बाद तो ये जरूरत नहीं है, बाकी ये स्लाइड शो पे क्लिक करना है, हम इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट क्या आएगा, हेडिंग वो शो हो जाएगी, सब हेडिंग जो ये लिखी हुई है वो सिलेक्ट हो जाएगी, बटन का टाइटल क्या होगा और बटन पे क्लिक करके बंदा जाएगा कहाँ, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। और इसी तरह बाकी भी चीज़ें जिसको आपने एडिट करना है तब उस पर क्लिक करना है। ये आपके पास का ऑन है इंस्पेक्टर, जब ये ऑफ हो जाएगा फिर आप क्लिक करके सेटिंग में ओपन कर सकते हैं, जब ये ऑन है तो फिर आप क्लिक करके सेटिंग को ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप ये इमेज देख रहे हैं कलेक्शन ऑल सिलेक्टेड है, मैं चाहता हूँ सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है यहाँ पे रिमूव करूँगा, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा कि कौन सी कलेक्शन यहाँ पे शो होगी, किड्स वेयर कलेक्शन को सिलेक्ट कर दूंगा, अब यहाँ पे सिर्फ किड्स वेयर कलेक्शन ही शो होगी। उसके बाद इसका जो टाइटल है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, हम जो चेंज करेंगे इसमें कॉलम्स कितने होंगे, प्रोडक्ट की रेटिंग शो करवानी है कि नहीं, इसमें सेकंड इमेज होवर करने पे आनी चाहिए कि नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे मैं जैसे मैं माउस लेके जाऊँगा दूसरी इमेज शो होती है, इसको कहते हैं होवर शो सेकंड इमेज होवर, जैसे मैंने माउस लेके जाना है दूसरी इमेज शो होती है। उसके बाद यहाँ पे हम अगर कोई भी अपने से सेक्शन ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड, यहाँ से हम सेक्शन ऐड कर सकते हैं, ये वो सेक्शन है जो कि हमें थीम प्रोवाइड कर रहा है और सिर्फ यही सेक्शन हम ऐड कर सकते हैं। करना क्या होता है कि हमें जो भी चीज चाहिए इनमें से, जैसे कि हमें मिसाल के तौर पर फीचर इमेज लगानी है, फीचर इमेज को ऐड करेंगे, यहाँ पे फीचर इमेज हमारी ऐड हो गई। अब यहाँ से हमने फीचर इमेज पे क्लिक करना है, उसकी सेटिंग आ गई, एक प्रोडक्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया, उसमें एडिटिंग करके जो जो चीजें हमें एडिट करनी है वो करके बाद में इसको ऊपर ले जाना है। ऊपर ले जाने के लिए हम जैसे ही इस पर माउस लेके आते हैं, ये जो छह डॉट्स बने हैं इनको क्लिक करके हम ऊपर लेके जा सकते हैं, चाहे सबसे ऊपर ले जाएं, जिधर भी हमने इसको प्लेस करना है हम ऊपर ले जाएं। अभी हमारे स्लाइडर के बिल्कुल नीचे आ गए। अब इसका जो टेक्स्ट है, वेंडर है, ये सारी चीज़ें डायनेमिक है, आपने जो जो चीज़ें इनमें एडिट करनी है वो सिर्फ यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से टेक्स्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें ये क्वांटिटी सेलेक्टर को चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये डायनेमिक है, इसमें ऑप्शन दिए ही नहीं गए, जिसका ऑप्शन नहीं है हम उसको चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर कोई टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है, प्रोडक्ट की रेटिंग इसमें ऐड नहीं है वो ऐड करनी है, तो हम एड ब्लॉक, एड सेक्शन, एड कॉलम यहाँ पे लिखा हुआ है उस पर क्लिक करके कर सकते हैं। मेन थीम की सेटिंग हमारी लेफ्ट साइड पे क्यों होती है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी मेन थीम की सेटिंग हो जाएगी। हमारी जितने भी ये बटन्स के कलर्स हैं वो यहाँ से कंट्रोल होते हैं थीम की सेटिंग में से जाकर, अब वहाँ पे बटन को सेलेक्ट करके कलर चेंज नहीं कर सकते, थीम सेटिंग में आके आपको कलर चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे नाम लिखा हुआ है कि कौन कौन सा कलर ये यूज़ हो रहा है, आपने यहाँ से डिजाइन कौन सा कलर चेंज करना है वो कर सकते हैं। उसके बाद फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज वो जितने भी हैं वो यहाँ से चेंज होते हैं, यानी कि अगर हमने ये इसका साइज चेंज करना है ना हेडिंग का, तो जितनी भी हेडिंग होंगी वो साइज चेंज होते हैं, सिर्फ एक का नहीं होगा,
उसके बाद लेआउट इसका आ जाता है। लेआउट में इसकी हाइट विड्थ मेन जो हमारा सेक्शन है पूरी वेबसाइट का उसका लेआउट है कि विड्थ कितनी होगी हाइट कितनी होगी। उसके बाद बटन सेटिंग यहाँ पे के कलर कितना होगा रेडियस गोलाई कितनी होगी ओपेसिटी शैडो होना चाहिए कि नहीं ब्लर होना चाहिए कि नहीं। बस ये कह लें कि हमारे पास सारे ऑप्शन होते हैं हमने आगे पीछे कम ज्यादा करके चेक कर लेने जो हमें अच्छा लग रहा है वो हमने क्रिएट करेगा क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शन आ रहे हैं उनमें से हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन सा ऑप्शन चाहिए कौन सा नहीं चाहिए। लेकिन ये है कि अगर आप शॉपिफाई में किसी और वेबसाइट की नकल करके सेम टू सेम वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपको उसके थीम का बताना है। आप जो थीम ले रहे हैं उसमें वो सेक्शन होने चाहिए क्योंकि अगर उसमें वो सेक्शन ना हो तो आप वो थीम के जरिए से उस चीज को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे थीम में जो सेक्शन अवेलेबल है उसमें मजबूत होता है। आपने सिर्फ इसको ना जाके ट्राई करना या फिर बैठ के कर लेते हैं सिर्फ ट्राई करना है डिफरेंट सेक्शन को ऐड करके कलर चेंज करके साइज हाइट चेंज करके प्रोडक्ट में और ऐड करें तो खुद ट्राई करें इसको बाद में हम नहीं होगा तो इसको करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ से अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। आपने तो मैंने एक बार सेव कर देना ना आपने फिर पेज को रिफ्रेश करके ऐड करना क्योंकि अगर आपने इधर एडिट किया आपने हम तीनों ने अगर ओपन किया हुआ इस वेबसाइट आप एडिट करते हैं सेव कर दिया तो बस मेरे पास भी सेम ओपन थी मैंने एडिट करके सेव किया आपका ओवरराइट हो जाएगा आपकी जो सेटिंग होगी वो खत्म हो जाएगी क्योंकि मेरे पास लोडेड फाइल है मैंने पुरानी फाइल को ही सेव करना है। आपके अगर मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ तो मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा ये लोगों ने ये इमेज है जी अपने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी